नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खराब से खराब हिंदी फिल्में देखनी है तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जा सकते हैं। डिज्नी ने ठेका लेकर रखा है कि जितनी भी खराब हिंदी फिल्में होगी उसे हम अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। चाहे बात आप लक्ष्मी की कर लो, चाहे बात आप विजय देवरकोंडा की लाइगर की कर लो, चाहे बात आप अजय देवगन की फिल्म भूज की कर लो, या फिर हाल ही में जो फिल्म गोविंदा नाम में रखा कर लो, सारी की सारी वाहियात फिल्में, सारी की सारी कचरा फिल्में और उसे डिज्नी में स्ट्रीम किया जाता है। तो आइए जानते हैं गोविंदा नाम मेरा के बारे में। गोविंदा नाम मेरा एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाया तो गया था थिएटर के लिए, लेकिन जब मेकर्स ने इस पिक्चर को खुद प्ले करके देखा, अरे यार ये तो बड़ा वाहियात पिक्चर है, इसको तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो जनता कैसे देखेगी। गजब बेइज्जती है। इस फिल्म को लेकर वितरक के पास गए। वितरक का भी दिमाग खराब हो गया, अगर मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा तो मेरा करियर 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तभी ने इनकार कर दिया इस पिक्चर को। फाइनली थिएटर में रिलीज होने वाली यह फिल्म अब OTT में आई है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की कहानी पति पत्नी और वो जैसी है, जिसमें पति का किरदार विकी कौशल, पति का किरदार भूमि पेंडलेकर और उनकी वो यानी कि गर्लफ्रेंड का किरदार कियारा आडवाणी नजर आ चुकी है। और यह किस्सा सिर्फ विकी कौशल के साथ नहीं है, उनके पिता के साथ भी है। अब विकी कौशल के जो पिता बने हैं उनकी भी एक पत्नी है और एक गर्लफ्रेंड भी है, यानी कि विकी कौशल की माँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? विकी कौशल का सौतेला भाई उसे लड़ता रहता है, इसी बीच किसी का मर्डर हो जाता है। फिल्म की जो कहानी है इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है कि कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म में कॉमेडी है ही नहीं। फिल्म की जो लाज है वो थ्रिलर बचाते हैं। इस फिल्म का जो थ्रिलर पार्ट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, काफ़ी अच्छे हैं और यह ठीक ठाक फिल्म हो सकती है। आप समझ ही सकते हो कि जिस फिल्म को वरुण धवन ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब समझ रहे हो, वरुण धवन जैसा स्टार करण जौहर की फिल्मों को रिजेक्ट कर देता है, अब उस फिल्म को विकी कौशल कर लेते हैं तो उसका हाल तो बुरा होना ही था। बाकी विकी कौशल हिंदी फिल्म जगत के अच्छे स्टार है, पर उनका जो फिल्म सिलेक्शन है लगातार बिगड़ता जा रहा है। भूत आई थी, सुपर फ्लॉप रही। यदि यही हाल रहा था विकी कौशल का जो करियर है संकट में पड़ जाएगा। बाकी कियारा आडवाणी, भूप पेंडलेकर का जो रोल है कुछ खास नहीं है। हिंदी फिल्म जगत में खाली हीरोइंस को एक ग्लैमर के लिए, एक मसाला के लिए रखा जाता है, तो उससे ज्यादा इस फिल्म में कुछ दिखा नहीं गया है। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खैतान ने किया। शशांक खैतान वही है जिन्होंने सरार जैसी मास्टरपीस फिल्म का थर्ड क्लास रीमेक धड़क बनाई थी, तो उनसे उम्मीद करना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप नहीं देखोगे तो भी किसी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स को भी फर्क नहीं पड़ना है। उनको तो पता है पिक्चर फ्लॉप है, पिक्चर डिजास्टर है, इसी काम तो सिनेमा घर रिलीज न करके OTT में रिलीज कर रहे हैं। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।